नमस्ते जी, फिर हाजिर है एक मज़ेदार रेसिपी लेकर हैप्पी सॉल्ट। आज बनाएंगे एक बढ़िया सा स्वादिष्ट नाश्ता जिसे खाकर आपका दिल खुश हो जाएगा। आइए देखते हैं करारे और मसालेदार चने की दाल के वड़ों की रेसिपी। इन्हें नाश्ते में या फिर स्टार्टर्स की तरह सर्व किया जा सकता है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। 3/4 कप चने की दाल लेंगे और इसे अच्छी तरह धोकर कम से कम 4-5 घंटे या फिर पूरी रात के लिए भिगो कर रख देंगे। लगभग 5 घंटे भीगने के बाद दाल फूल कर साइज में दुगनी हो गई है। दाल को छानकर सारा पानी निकाल देंगे। मिक्सी के जार में 8 से 10 लहसुन की कलियां डालेंगे, स्वाद के हिसाब से या 2 हरी मिर्चें डालेंगे और थोड़ी सी दाल डालकर इसे पीस लेंगे। दाल को पीसते वक्त पानी ना डालें और इसे दरदरा पीसें। अब इसमें बाकी की दाल डालकर पीस लेंगे। इस तरह थोड़ी थोड़ी दाल डालकर पीसने से बिना पानी के इसे पीसने में आसानी होगी। दाल को मुलायम ना पीसें, दरदरा ही रखें ताकि वड़े भुरभुरे बने। मैंने दाल को इतना दरदरा पीसा है कि दाल के कुछ दाने अभी भी साबत ही हैं। पिसी हुई दाल को एक बड़े बोल में निकाल लेंगे। अब इसमें डालेंगे 1 बड़ा बारीक कटा हुआ प्याज और 1/2 कप बारीक कटा हुआ पुदीना। पुदीने की जगह आप धनिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पुदीने से वड़ों का स्वाद कई गुना बढ़ जाएगा। 1.5 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, स्वाद के हिसाब से या 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च और 1/4 छोटा चम्मच गरम मसाला डालकर बिना नमक डाले अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अगर अभी नमक डाल देंगे तो प्याज पानी छोड़ेंगे और मिक्सचर ढीला हो जाएगा। नमक सिर्फ उतने मिक्सचर में डालेंगे जितने के हम तुरंत वड़े बना सकें। मैं इस मिक्सचर के 2 हिस्से करूंगी। मिक्सचर के हिस्से इस हिसाब से करें कि आपकी कढ़ाई में एक बार में कितने वड़े तले जा सकते हैं। इसमें स्वाद के हिसाब से नमक डालकर अच्छी तरह मिला लेंगे। बड़ों का मसाला तैयार है। अब इससे नींबू के साइज के गोले बना लेंगे। गोले बनाने के बाद इन्हें तुरंत फ्राई कर लें, नहीं तो प्याज पानी छोड़ेंगे और ये गोले तेल में जाते ही खुल जाएंगे। वड़े तलने के लिए तेल को हल्का सा धुआं उठने तक गर्म करेंगे। गर्म तेल में बहुत आराम से वड़े डाल देंगे। कढ़ाई में उतने ही वड़े डालने हैं जितने आसानी से तले जा सकें, नहीं तो तेल ठंडा हो जाएगा और वड़ों में तेल भरेगा। वड़ों को ऊंची आंच पर सुनहरा और बाहर से करारा होने तक तल लेंगे। आंच हल्की ना करें, वड़ों को अंदर तक पकाना नहीं है, बस इनकी ऊपरी सतह को करारा करना है। बीच बीच में इन्हें चलाते और पलटते रहेंगे। वड़ों का रंग सुनहरा हो चुका है और ये ऊपर से करारे हो चुके हैं। अब इन्हें तेल से निकाल लेंगे। इन्हें किचन टिश्यू पर डाल देंगे ताकि इनका एक्स्ट्रा तेल निकल जाए। बाकी के मिक्सचर में नमक डालकर अच्छी तरह मिलाकर वड़े बना लेंगे और इन्हें भी फ्राई करके रख लेंगे। सारे वड़े फ्राई हो चुके हैं। अब इन्हें हल्का सा दबाकर चपटा करना है। अगर गरम वड़ों को दबाकर चपटा करने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा फटेंगे और इनके अंदर से मसाला बाहर आ जाएगा, इसीलिए इन्हें हल्का सा ठंडा होने देंगे। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि ये पूरी तरह ठंडे ना हो जाएं। रोटी पफर या पोटैटो मैशर से हल्के हाथों से वड़े को दबाएंगे और थोड़ा सा चपटा कर लेंगे। वड़ों को बहुत ज़ोर से ना दबाएं, इन्हें करीब 1 सेंटीमीटर मोटा रखें, बहुत ज़्यादा चपटा ना करें। आप इन्हें चम्मच से भी दबा सकते हैं। अगर वड़े पूरी तरह ठंडे हो जाएंगे तो दबाने पर ये टूट सकते हैं। सारे वड़े इसी तरह चपटे कर लेंगे। इन आधे पके वड़ों को 1 हफ्ते तक फ्रिज में भी स्टोर किया जा सकता है। जब वड़े सर्व करने हों तो इन्हें फ्रिज से निकालकर रूम टेम्परेचर पर ले आएं और फ्राई कर लें। तेल को हल्का सा धुआं उठने तक गर्म करेंगे और इसमें चपटे किए हुए वड़े डाल देंगे। एक बार में बहुत ज़्यादा वड़े ना डालें, नहीं तो तेल ठंडा हो जाएगा और वड़ों में तेल भर जाएगा। बार बार पलटते और चलाते हुए वड़ों को मीडियम से हाई आंच पर करारा होने तक तल लेंगे। इन्हें करारा होने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी, ये 1.5 से 2 मिनट में ही तैयार हो जाएंगे।
वड़े बहुत अच्छी तरह से करारे हो चुके हैं, ये बिल्कुल तैयार हैं। इन्हें तेल से निकाल लेंगे और किचन टिश्यू पर डाल देंगे ताकि इनका एक्स्ट्रा तेल निकल जाए। गर्मा गर्म चने की दाल के वड़ों को चटनी या केचप के साथ सर्व करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।